दो नॉर्मल पे। ये लेना है नॉर्मल साइज का, तरीके से देखें और इसमें डालना है इतना पानी, फुल भर लें। अभी हमने इसमें कंटेंट ऐड करना है इसलिए मैंने फुल नहीं भरा है। जब तक ये बॉईल हो रहा है मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं, ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। आइए चलते हैं हमारी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये मेरे पास है जिंजर, जिसको मैं पील ऑफ करके इसके थोड़े से स्लाइस काट लूँगी। मेरे पास है दालचीनी चारेदार, ये मेरे पास है लौंगे चारेदार, और ये मेरे पास है ज़ीरा, मैंने एक चुटकी करके लिया था, आप भी ऐसे लीजिएगा। ये मेरे पास मिंट लीफ हैं, जितने आपको लगे उतने ले लीजिएगा। मैंने थोड़े से काट लिए थे, तीन पत्तियों के तकरीबन मैंने उनको वॉश किया है, हटाने के बाद उनकी डंडियों से आप भी कर लीजिएगा। मेरे पास है 6 अदद या 7 अदद इलायची, और यहाँ पर है मेरे पास सौंफ। सौंफ बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। और ये लेमन, जब हम सर्व करेंगे अपना कहवा, स्लिमिंग कहवा, तो तब मैं लेमन ऐड करूँगी विद हनी। देखते रहें जब ये बॉईल होगा तो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर जिंजर के कुछ पीसेस कर लिए हैं, आप भी इस तरीके से कर लिए। इसके मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ। इसके फ़ायदे ये हैं कि मैंने 1 मंथ में 3 kg लॉस किया है बाय अवॉइडिंग, इसको 3 टाइम लिया है एम्प्टी स्टमक पे। ये ब्लड प्रेशर को बहुत फ़ायदा करता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा आप लोग इसे ले सकते हैं खाने से पहले 3 टाइम, मैं 3 कप एक दिन में लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा हो रहे हैं ब्लिस्टर्स हो रहे हैं अगर आपके मुँह में, तो आप इसे अवॉइड करें कुछ दिन। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पानी बॉयल हो चुका है, इसमें मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हूँ। इससे पहले मैं कुछ ये ऐड कर रही हूँ, पीसेस ऐड कर रही हूँ बॉइलिंग वाटर में। उसके बाद मेरे पास है लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, लौंगे, पास है सौंफ, सब्जी इलायची, फिर जो सबसे मेन चीज़ है इसमें है मिंट लीफ, जो कि आपको स्टमक में गर्मी नहीं होने देता। इसको बॉईल कर रहे हैं, इसको बॉईल करना है 10-15 मिनट्स। जब तक इन सारी चीज़ों का अर्थ नहीं निकल जाता, जूस नहीं निकल जाता, हम इसे बॉईल करेंगे। देखें किस तरीके से बॉईल हो रहा है, देखें ये 15 मिनट्स हो चुके हैं। इसका कलर भी बता रहा है कि इसका सारा जूस निकल चुका है, कलर चेंज हो चुका है, इसका डार्क हो गया थोड़ा, सारा जूस निकल चुका है। और अब मैं इसको बता दूँ आपको, इसको अगर मैंने ये बताया आपको 3 कप्स के हिसाब से, बिकॉज एक दिन में मैं 3 लेती हूँ, आप भी ले, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा वेट लॉस में, होगा बहुत देर से असर होगा जी। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। बाद इसमें मेरे पास 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, लेमन एंड हनी। लेमन एंड हनी हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैदे में गर्मी नहीं होने देता, स्लिमिंग में हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। चले आइए इसको भी ऐड कर लेते हैं। मैं हनी को डाल दूँ, हनी ऐड हो चुका है, कर लेते हैं। हमारा कहवा तैयार है वेट लॉस, मैं आपको दिखा दूँ, इसकी शक्ल ऐसी होगी। मैंने इंग्रेडिएंट्स मिक्स नहीं किए थे, मैं आपको मिक्स करके बता देती हूँ। जब लेमन मिक्स होता है कहवे में, तो लेमन मिक्स होने की वजह से वो एसिडिक होता है, सिट्रस होता है, कहवे का कलर चेंज होता है, तो हमारा भी कहवे का कलर लाइट हो गया।